कुछ साल पहले इस बर्फीले टापू पर बहुत सारे चुलबुले गोलू मोलू पेंगुइन रहते थे, जो लाइन लगाकर कहीं दूर जा रहे थे, पर तभी एक पेंगुइन गिर जाता है। लाइन से आगे बढ़ने के कारण सभी पेंगुइन गिरने लगते हैं, लेकिन उस लाइन से तीन समझदार पेंगुइन के बच्चे निकल जाते हैं और अपने पंखों से उड़ने की कोशिश करते हैं, पर तभी एक अंडा लुढ़कते हुए आता है और उन्हें गिराकर तेजी से पीछे की ओर चला जाता है। उस अंडे को बचाने के लिए एक पेंगुइन का बच्चा उसके पीछे जाता है, पर अंडा किनारे पर रुक जाता है। लेकिन दोनों पेंगुइन उसको तो बचा लेते हैं, लेकिन अंडा एक बड़े बर्फ के गोले के साथ नीचे जहाज पर गिर जाता है। तो तीनों उस जहाज को देखते हैं और जहाज पर जाने की योजना बना ही रहे होते हैं कि एक इंसान उन्हें धक्का दे देता है, तो वो भी बर्फ के गोले के साथ सही सलामत नीचे पहुंच जाते हैं। और उस अंडे को सिल्स खाने ही वाले होते हैं कि उनमें से एक पेंगुइन उस अंडे को खा लेता है और बताता है कि उसने अंडे को खाया नहीं है, बल्कि बैंक में जमा किया है सिल्स से बचाने के लिए। और सिल्स से बचने के लिए वो एक ऊंची जगह पर चढ़ जाते हैं, पर एक सिल्स से फायर हो जाता है, जिससे वो तीनों बिना पंख के उड़ते हुए एक छोटे बर्फ के पत्थर पर आ गिरते हैं और वो जहाज भी ब्लास्ट हो जाता है। उसके झटके की वजह से वो बर्फ का पत्थर आगे समुद्र की ओर लगता है, जिससे वो अपने झुंड से दूर जाने लगते हैं। अगले पार्ट के लिए एक लाइक करें, हम समझ जाएंगे।